नरकटियागंज ईदगाह में संपन्न हुआ ईद का नमाज। डॉक्टर एम वली ने कहा, ईद आपसी प्रेम एवं भाईचारे का पर्व है। शिकारपुर पुलिस के साथ अनुमंडल पुलिस भी रही मौजूद। न्यूज़ 9 टाइम्स, नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। ईद को लेकर नरकटियागंज ईदगाह में नमाज अदा की गई, जहां हजारों की संख्या में नमाजी सड़कों पर बैठकर नमाज अदा किए। वहीं नमाज को लेकर ईदगाह में शिकारपुर पुलिस की चौकसी बनी रही। आने जाने वाले वाहनों को नमाज अदा करने के वक्त रोक दिया गया, जिससे नमाज पढ़ रहे नमाजियों को परेशानी ना हो। नमाज समाप्ति के बाद सभी लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद मुबारकबाद की बधाई दी। दूर दूर से आए नमाजियों ने नमाज अदा किया और उन्होंने ईद खुशी और शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। उन्होंने नमाजियों से सभी जाति धर्म के लोगों से मिलजुल कर रहने और दूसरों के कार्यों में सहयोग करने और आपसी भाईचारा बनाए रखने की इबादत की। वहीं शिशु रोग चिकित्सक डॉक्टर एम वली ने कहा कि ईद शांति और आपसी भाईचारे का पर्व है। इस पर्व में दुश्मन को भी गले लगाकर मुंह मीठा कराया जाता है, इसलिए लोगों को चाहिए कि सारे सिकवे गिले भुलाकर भाईचारे का मिसाल कायम करें, जिससे परवरदिगार सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे। न्यूज़ 9 टाइम्स। आज ईद खुशी खुशी त्यौहार का दिन बन रहा है, हाँ सब भाई से हम मिलना जुलना चाहते हैं, ठीक है। ईद मुबारक बधाई देता हूँ। क्या नाम है? हमारा अब्बास अंसारी। रमजान को लेकर आज ईद मनाया जा रहा है, पूरा देश खुशी मना रहा है। आज आप अपने नगर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहते हैं, आज लोग जो है रमजान करके रोजा होता है, बड़ा मुश्किल से जो है गुजरता है। इसके बाद एक ऐसा माहौल होता है जो हर आदमी इस खुशी में शामिल होता है। इसलिए मैं भी चाहूँगा कि मतलब सब लोग खुशी मनाएं, और मेरे तरफ से इसके लिए सबको एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो जहाँ है खुश रहे, और इस ईद का एक अच्छा तरीका से इसका मैंने जो है मैंने ईद खुशी से मनाया। आप अपना परिचय देते हुए जी, मैं डॉक्टर मोनी नगरिया सुबह से।